guys, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad. And today is the next day of my birthday, 27th of December. And for a week, Ravi took leave from the office because some essential works have to done. So today we will go outside to explore baby items, baby things, because this is the right time because my third trimester is going on. So we have to start purchasing now. We listed all the things in a list and now our mind is prepared what we are going to purchase, but we need to check the quality of the product, so it takes some time. It is going very, very excited. We are very happy to start this journey for our first न्यू मेंबर ऑफ आवर फैमिली. एंड खुशी तो हमारे चेहरे में भी है और पूरे इंटायर बॉडी में हमारी खुशी है. एंड रियली रियली आई कैन फील एवरीथिंग इन दिस स्पिरिट एंड आई एम रियली वेरी एंजॉइंग वेरी प्रेशियस मोमेंट. सो बस अभी थोड़ा सा लंच वगैरह करके एंड देन वी विल गो. और कुछ स्टोर्स जो हमारे घर के नियर बाय ही हैं तो सबसे पहले हम वहाँ जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर फर्नीचर से लेके और बेबी क्लोथ्स और सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी. आपको सारे तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, जितना अभी मैंने ऑनलाइन सर्व किया है और जितना मैंने उस शॉप की जितनी फ़ोटोज़ थी अपलोडेड वो देखी हैं. और जाके आज पता चलेगा किसका मतलब क्या रेट है, रेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी में डिफरेंसेस हैं. वैसे तो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो बेबी का नाम आते ही मुंह पे और हमें वो ब्रांड्स हमेशा याद रहते हैं, जैसे कि पैम्पर्स हो गया, जॉनसन हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं. बट अभी मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आ गई है, बहुत सारे ऑर्गेनिक आइटम्स आ गए हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं. क्योंकि मेन जो हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चे की सेफ्टी, क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें ठीक है, हम ये ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं, उसके साथ साथ क्या चीज़ें यूज़ में आने वाली हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर आर फर्स्ट प्रेगनेंसी. सो फर्स्ट प्रेगनेंसी पीपल गेट वेरी एक्साइटेड, वी हैव टू परचेज दिस थिंग, वी नीड दिस. बट आफ्टर सम टाइम वी विल थिंक कि अरे ये तो इतना यूज़ का नहीं था, तो बर्बादी हो गया, बेकार ही गया इसमें पैसा. और क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं होता, बट मैं शुरू से ही थोड़ा सा हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए, आते जाते बाहर निकलते मार्केट में चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए, ऑनलाइन चीज़ें थोड़ा सा सर्व करते हुए, डॉक्टर से थोड़ा सा मतलब हिंट लेते हुए कि यहाँ पर जर्मनी में किस तरीके के प्रोडक्ट्स और चीज़ें हैं, तो जो मेरी पर्सनल डॉक्टर हैं जो घर पर आती हैं, जिनसे मेरा कंसल्ट होता है, तो उनसे भी हमने बात करी. तो अब ये राइट टाइम है सारी चीज़ें सोचने के बाद अब वो चीज़ें स्टार्ट करने का, बिकॉज अभी मेरी बॉडी पूरा सपोर्ट कर रही है. आई एम वेरी एक्टिव एज यूजुअल बिफोर माई प्रेगनेंसी बिकॉज आई एम नॉट सिक. तो ये प्रेगनेंसी को आप बिल्कुल एक नए फेस की तरह इंजॉय कर सकते हो, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है. और क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो गया, बैठे रहो. आपको मैं जैसे पहले एक्टिव थी, सारे अपने काम हैंडल कर रही थी, वैसे अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ, रवि है, और रवि ने तो बखूबी अभी तक पूरा बहुत अच्छे से फ़र्ज निभाया है. बिकॉज इस समय मुझे रवि को और समझने का मौका मिला, बिकॉज उन्होंने इतना हेल्प किया है अपने मतलब हर चीज़ को बैलेंस करके चले हैं वो अभी तक, ऑफिस को, घर को, मुझे, मतलब हर चीज़. और फ्री टाइम में जो छोटी छोटी हेल्प है जो रवि कभी नहीं मतलब रवि ने कभी नहीं किया, मतलब बैचलर लाइफ में भी कभी नहीं किया, तो उनके लिए भी एक नया फेस है. और मतलब बहुत खुशी है कि एक नई जर्नी के साथ साथ कितनी चीज़ें नई लर्निंग्स में आ रही हैं हमारे, और हम बिल्कुल रेडी हैं. मतलब जिस भी फेस में मैं जो कुछ भी सीखने को मिल रहा है, जो मेरी बॉडी के चेंजेस उसे मैं फील कर पा रही हूँ, और मैं अपने हर पल की एक एक चीज़ मैं रवि से शेयर कर पा रही हूँ, बिकॉज वी आर टुगेदर. ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पूरी फैमिली है और रवि नहीं है, मतलब मैं रवि के पास हूँ और पूरी फैमिली की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं. और घर से भी मुझे राय मिलती रहती है, और मेरे इन-लॉज भी बड़े कॉन्शियस रहते हैं, बट उन्हें ये कॉन्फिडेंट है कि या मैं हैंडल कर पाऊँगी, बिकॉज हमने टाइम लिया, सोचा मेंटली और फिजिकली पूरा प्रिपेयर होके, और फिर हमें जब लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दिस, सो तब हमने वो प्लानिंग स्टार्ट करी.
देन अब धीरे धीरे मतलब जो मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक के डेज थे उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स रहे, बॉडी में चेंजेस रहे, और 3 months तक तो मतलब मुझे मतलब फूड भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बट मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया नहीं खाना तो है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल देंगे लेकिन खाना है, और खाने की वैसे भी मैं थोड़ा शौकीन हूँ तो कैसे रोक सकती थी, तो वही। और बाकी जो मेरी रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं, जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी, मैं ऑफिस वर्क में बिजी थी, जो मैं स्टडी वर्क में बिजी थी, तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रही थी जो मुझे बहुत पसंद थी। अब ये टाइम है जो मैं ये टाइम सारी चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर रही हूँ, जैसे मैंने आर्ट वर्क शुरू किया, रवि ने मुझे पियानो गिफ्ट किया, तो मैं थोड़ा थोड़ा वो भी स्टार्ट कर चुकी हूँ सीखना, और साथ में कुछ जैसे कि मैं इस पीरियड में बाहर का मतलब वैसे भी यूरोप आने के बाद मतलब यहाँ पर आने के बाद हमने बाहर का बहुत ही मतलब कम कर दिया। जापान में तो हमने थोड़ा बहुत मतलब ट्राई करते रहते थे क्योंकि ट्रैवल बहुत करते थे, यहाँ आने के बाद हमने अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रैवल नहीं मतलब प्लान किया, और जो आसपास की जगह है, पहले तो जापान में भी हमने वही किया था कि एक्सप्लोर की थी, और अभी भी हम वही कर रहे हैं, और थोड़ा सा चीज़ों के साथ थोड़ा बिजी हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब मेरा टाइम जिस तरीके से यूटिलाइज हो पा रहा है, मैं अपने मन की मतलब जो एक मुरादें हैं वो पूरी कर पा रही हूँ, तो मेरा एक रूटीन बना हुआ है, मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, और डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शन है वो भी फॉलो कर रही हूँ, रवि भी सर्व करते हैं टाइम निकालने के बाद, जो चीज़ें उनके नॉलेज में आती है वो मेरे से बैठ के शेयर करते हैं, मेरे से बात करते हैं, और जो मैं फील करती हूँ उसको वो बहुत अच्छे से सुन के और फिर वो फील करते हैं। दिस इज टाइम इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज इम्पॉर्टेंट फॉर रवि ऑल्सो, सो दोनों की ये जर्नी है, और मेरी बॉडी से वो चीज़ जुड़ी हुई है डे वन से, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे आपको पोस्चर का ध्यान रखना है, आपको जैसे ले डाउन होना है, आपको स्टैंड होना है जिस तरीके से, और आपको वॉक करना है, आपको अगर एक्सरसाइज करनी है, और कभी कभी मन करता है तो स्लोली मैं डांस भी कर लेती हूँ कि डांस का कीड़ा जो होता है ना, जिनको पसंद होता है उनके अंदर होता ही है, और बाकी जो भी चीज़ करनी है, आउटसाइड जाना है, तो मैं जैसे घर में आप होते हो तो हाइड्रेशन का आप ध्यान रख पाते हो, बराबर आप वाटर वगैरह लेते रहते हो, लेकिन बाहर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते इतना, लेकिन बराबर मेरी एक बॉटल मेरे पर्स में रहती है, और एक बड़ी बॉटल हम गाड़ी में भी रखते हैं ताकि पानी ख़त्म ना हो पाए, और हम थोड़ा थोड़ा मैं पीती रहूँ, और कोई भी कोई फूड आइटम भी मेरे पास रहता ही है मेरा, जैसे कि अभी मुझे बाहर जाना है, रवि ये बैग पास करोगे, और रवि अभी मेजरमेंट ले रहे हैं रूम्स की और सारी चीज़ों की, क्योंकि जो जो फर्नीचर जो जो चीज़ें हमें लेनी है उसके लिए वो मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे कि अभी मेरा ये पूरा एक फूड बैग रेडी है जाने के लिए, इसमें फ्रूट्स हैं और ड्रिंक वगैरह है, ड्रिंक तो हमें बराबर ही लेनी है, आप वैरायटी भी ले सकते हो, ड्रिंक की जूस ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, और उसके साथ साथ फ्रूट्स हेल्दी फ्रूट्स ले सकते हो, तो ये बराबर, ये मैं डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ कि मुझे बाहर का खाना या कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बट अपने पास अपने बैग में होना बहुत ज़रूरी है। ये बैग तो मेरा एक अलग से रेडी रहता ही है, जिसमें कि मेरी वाटर बॉटल हमेशा ही रहती है मेरे साथ, एक बड़ी वाटर बॉटल भी हम लेके चलते हैं, और ये बैग फूड बैग हमेशा मेरे साथ रहता है, और आपको हाइड्रेट रहना है बराबर, और गाड़ी में भी आपको जैसे सीट बेल्ट लगानी है, रवि ड्राइव करते हैं तो ब्रेक का ध्यान रखते हैं, अगर लगता है कि बीच में पॉज लेना चाहिए तो थोड़ा बहुत हम पॉज लेके बीच बीच में वॉक कर लेते हैं, क्योंकि यही होता है जब आपका अपना कन्वीनियंस होता है तो कन्वीनियंट हो जाती हैं चीज़ें कि आप अपने हिसाब से रुक सकते हो अगर किसी भी आप रूट में जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं आप, क्योंकि घर के अंदर तो सारी अवेलेबिलिटी है और आप चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, बट घर के बाहर भी अगर आप निकल रहे हो, इसीलिए इंडिया में कहते हैं तो ज़्यादा ध्यान रखो, कई सारे मिथ्स हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें हो जाती, बड़े लोग बहुत सारे सजेशंस देते हैं, हम क्या करते हैं उनकी बात भी ढंग से फॉलो नहीं करते, और खुद में भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड टू मेक माई माइंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, and always I remind all the basic things which I got by doctor's suggestion, and उन चीज़ों को मैंने बखूबी follow किया। छोटा सा example है कि शुरू शुरू में mask लगाना बड़ा uncomfortable लगता था लोगों को, और नहीं लगाते थे, ये नहीं लगाना, हम breathe नहीं कर पा रहे हैं, बहुत उलझन हो रही है, तो ये चीज़ें problems आती थी, but मैंने जापान में आपने वीडियोस में देखा होगा हमने बराबर मास्क लगाया, क्योंकि वो फिर वो हमारे हैबिट में ही आ गया कि हमें लगाना है, इसलिए नहीं लगाना क्योंकि कंपलसरी, इसलिए लगाना है कि वो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम उस फेज से गुजर चुके हैं कि हमें कोरोना हो उससे बेटर है कि हम मास्क लगा लें, क्योंकि वो मतलब बहुत बुरा फेस होता है।
तो उससे बेटर है कि हम मास्क लगा लें। और वही चीज़ है कि आपने डे वन से वो चीज़ें जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, घर से बाहर निकल रहे हो, घर में हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत उछलना कूदना भी नहीं है, इतना भी खुश नहीं होना, लेकिन हाँ आप अपनी जर्नी को बहुत ही नॉर्मल तरीके से विदाउट एनी मिथ्स आप इंजॉय कर सकते हो। मैंने भी अभी तक किया है और आगे भी मैं सभी के आशीर्वाद से उस पीरियड को बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। और बस वही चीज़ है कि आपको अपनी कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड को सेट करके और चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो डे वन से जब चीज़ें मैंने माइंड में रखना शुरू कर दिया तो अब वो मेरे लिए नॉर्मल है। मैं घर के बाहर निकल रही हूँ, मैं गाड़ी से कहीं पर भी उतर रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, रोड क्रॉस कर रही हूँ, अकेले भी मैं निकलती हूँ। मैं यहाँ पे विंटर्स का टाइम है तो बहुत ठंड होती है, विंड भी चलती है, तो सेफ्टी की वजह से मैं थोड़ा सा मतलब नहीं निकल पाती हूँ उतना, लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलता है मैं बाहर भी निकलती हूँ, अकेले भी जाती हूँ, कभी जब बिजी होते हैं तो बाहर के वर्क्स भी मैं देखती हूँ और घर की जो चीजें हैं मैं आराम से सारे, क्योंकि देखिए जो फेसेस हैं वो फेसेस हैं ना कि प्रॉब्लम्स हैं, वो बॉडी आपके, क्योंकि ईश्वर एक चमत्कार जो करता है ना कि आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर एक जीव को पालता है, तो वो इसलिए चीजें आएंगी, चेंजेस आएंगे, बहुत सारे फेसेस आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, बट दीज आर नॉट, आई कांट से दीज आर प्रॉब्लम्स, दीज आर द फेसेस विच वी कैन फील एंड एंजॉय literally. I think Ravi ka call aa raha hai. Ravi, just check. I think yeah, call is coming. कुछ भी पॉइंट इसमें से निकल के आपके सामने जा सकता है, किसी के हेल्प में आ सकता है, या फिर बहुत खुशी मिल सकती है आपको मेरी जर्नी के बारे में जानने की कि कैसे मैं अकेले यहाँ जर्मनी में, अभी नए शिफ्ट हुए हम 7 मंथ पहले, तो कैसे हम हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ों को, मैं और रवि कैसे बैलेंस बना के हर चीज़ का चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे है सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये फेस ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मैं बोल रही हूँ बहुत सारे अप डाउन होते हैं, बट उनको आप कैसे कैसे ले रहे हो, कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, मेन चीज़ें एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो, और सारी चीज़ें, सारा कहते हैं ना माइंड का गेम होता है, माइंड को वैसे ही सेट करते जाओ। और जैसे कि मेरे इन लॉज की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, सभी लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव सबकी, और इन लॉज जैसे कि हमेशा मतलब हमारी जो एक गर्ल की जो बॉडी है, आर बॉडी ऑलरेडी नेचुरली प्रिपेयर फॉर गिविंग अ बर्थ। सो मतलब जैसे कि मैं देख पाती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे मम्मा ने, तो जैसे उन लोगों ने किया तो डेफिनेटली आई ऑल्सो कैन डू। सो वो कॉन्फिडेंट मेरे साथ है और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं और उनको भी कॉन्फिडेंट है मुझे लेके, और जो भी उनके सजेशंस रहते हैं जो मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि एक टाइम होता है हमारा, अब टाइम कुछ और है, उनका टाइम कुछ और था, उनके टाइम पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उतने ही प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे, अब तो फैसिलिटीज़ भी हैं और सारी चीज़ें हैं, तो वही है कि सारी चीज़ों को सोचते हुए किसी चीज़ में जिद भी नहीं करनी कि हम नहीं मानेंगे, और अगर आप नहीं मान रहे हो तो उसके पीछे आपके पास आपको पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए, और अगर आपको मानना है वो चीज़ कि नहीं वो चीज़ जेन्युइन है तो आप मानो भी, और लिटरली आप अपने अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो और हर चीज़ आप हैंडल कर सकते हो और खुशी के साथ। तो ये कुछ बातें थी जो जल्दी जल्दी में आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी शेयर हो गई, चीज़ें बहुत होती हैं, कितना आप शेयर करोगे, जर्नी है कि अब हम शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और मतलब किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, अपने फर्स्ट बेबी के लिए। सो यार बहुत खुशी है, रवि तो ऐसे है ना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, बट मैं समझ सकती हूँ बिकॉज आई एम लिविंग विद हिम, सो एक एक उनके जो अंदर की फीलिंग्स है उसको मैं समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं और बहुत हेल्पफुल हैं इस टाइम पे मुझे। पहले तो मुझे लगा ये चीज़ यहाँ रख दी, कभी कभी नहीं भी ध्यान दिया, लेकिन अभी इतना प्रॉपर घर की क्लीननेस से लेकर हर चीज़ में इतना सपोर्ट, तुम्हारे पर कोई बर्डन ना बने, तुम्हें दोबारा से कुछ ना करना पड़े, क्योंकि बेबी के लिए घर को हाइजीन रखना भी बहुत ज़रूरी रहेगा और सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा, और जो भी हम परचेजिंग करेंगे, जो भी क्लोथ से रिलेटेड चीज़ें लेंगे वो भी हम वॉश करके अच्छे से और उसको आयरन करके अच्छे से पूरा मतलब पूरा सब शेयर होगा आप लोगों के साथ, सारी हमारी जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो शेयर होगी। और आप लोग भी वीडियो में कुछ भी अगर पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और हमारी जर्नी में जुड़े रहिए, और हमें ढेर सारी हम कपल को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, और आप लोगों के साथ भी हमारी खुशियाँ, हमारी लाइफ के फेसेस शेयर हो रहे हैं, हमें भी बहुत खुशी है, और आप लोगों के साथ भी हमारा प्यार हमेशा जुड़ा हुआ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता
कि अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोग हमें देखते हैं, बस जो भी देखते हैं उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि जो भी है मतलब एक बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, और बस ऐसे ही और सबसे प्यार बना रहे, और बस यही बोलती जाओगी चीज़ें ऐसी जो कभी भी एंड नहीं होने वाली हैं, और शुरू हुआ है तो वो चलता ही जाएगा, और या everything is going very well and hopefully in the future all the things will be turned smoothly. और देखते हैं आगे भी क्या क्या experience मिलते हैं, क्या learnings होती हैं, क्योंकि अकेले जो ये journey में मतलब रवि के साथ, मतलब family हमारे बिल्कुल आस पास नहीं है, बट लिटरली मेरी फैमिली कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं होने देती कि वो मेरे पास नहीं, हर पल की मेरी खबर रखते हैं, मेरे इन लॉज हों, मेरे पेरेंट्स हों, तो मुझे वो अटैचमेंट ऐसा लगता है कि मैं पास में ही हूँ उनके, उनके गोद में ही मेरा सर रखा है और मुझे पुचकार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मेरी केयर कर रहे हैं, वैसे ही मुझे फील होता है. अब मैं इसको ना यहाँ पर एंड करती हूँ क्योंकि रवि वेट कर रहे हैं और रवि का मेजरमेंट वाला वर्क भी हो गया, रवि ने कॉल भी रिसीव कर लिया है ना, हम लंच करके निकलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं. ज़्यादा कपड़े पहनने में ना बहुत उलझन होती है, मैंने आज मतलब केवल यही पहना हुआ है थर्मल, और नीचे तो थर्मल भी नहीं पहना, सिर्फ यही है. आज इतनी ठंड है भी नहीं, बट ये थोड़ा जल्दी वापस आना पड़ेगा ताकि रात में जब ठंड हो तो हम घर पर हों. हम तो झोला उठा के चलिए. यस लेट्स गो. मेरे शूज़.